नमस्कार किसान भाइयों, डिजिटल बनेगा किसान, उन्नति करेगा किसान। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे मछली पालन के एक हेक्टेयर की पॉन्ड की विजिट कराने वाला हूं, जो बहुत ही सुसज्जित तरीके से बना हुआ है। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कितने अच्छी तरीके से सुसज्जित इंसेक्ट नेट, वर्ड नेट कम्प्लीटली लगा हुआ है। और इस फार्म को जो रन करते हैं, आज मैं उन अंकल से आपकी बात कराने वाला हूं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके। और चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा फार्म विजिट कराने लाया हूँ, जो बहुत ही सुसज्जित तरीके से इस फार्म को बनाया हुआ है। जो ये मछली फार्म है, यहाँ पर एक हेक्टेयर में मछली पालन हो रहा है, और बहुत ही सुंदर तरीके से सुसज्जित तरीके से इस फार्म को डिजाइन किया गया है। यहाँ पर वर्ड नेट के साथ इंसेक्ट नेट, बाउंड्री नेट सारा अच्छी तरीके से लगाया गया है। साथ में जो इस तालाब का रखरखाव करते हैं, जो इसका मेंटेनेंस करते हैं, वो दोनों अंकल हमारे साथ हैं। उनसे आज मैं उनकी आपकी बात कराऊँगा, कितने साधारण तरीके से करते हैं या फिर ज़्यादा खर्चा करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, तो सारी डिटेल्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों पहले तो हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, अंकल का नाम पूछते हैं बारी बारी से, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताता हूँ। नाम क्या है अंकल आपका? होडल सिंह। अच्छा, होडल सिंह आपका नाम है। और अंकल आपका? कमल सिंह। कमल सिंह जी, आप ही दोनों हैं जो इस तालाब का रखरखाव करते हैं? हाँ जी जी। और आप कितने समय से इस तालाब का रखरखाव कर रहे हैं? 5 महीना तो हो ही गए कंटिन्यूस। अच्छा, 5 महीने से आप इस तालाब का रखरखाव कर रहे हैं। हाँ। दोस्तों अंकल, 5 महीने से तालाब, ये तालाब अभी नया बना है कि पहले से नया बना है? नया बना है। अच्छा, 5 महीने पहले ही अभी पहले ही बना है। जी, तो दोस्तों ये 5 महीने पहले तालाब बना है, और 5 महीने में इस तालाब में अंकल जो आपने बच्चा डाला था, वो किस साइज का डाला था? 30 ग्राम का। देखिए दोस्तों, 30 ग्राम का बच्चा डाला था, यानी कि एक सही क्वालिटी, एक सही मेंटेनेंस किया हुआ तालाब। जो एक्चुअल साइज डाला है बच्चा, वो ठीक बच्चा डाला है। और अब 5 महीने बाद तालाब में मछली का क्या साइज है अंकल? 1 केजी। 1 केजी मान लो, अब तो ऊपर ही है, वो 40 ग्राम ऊपर है। अच्छा, देखिए दोस्तों, 5 महीने के अंदर, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर तालाब में जो मछली ग्रोथ हुई है, वो 1 केजी अब हो चुकी है, 1 केजी से ऊपर ही है, 40 ग्राम अंकल बता रहे हैं। साथी अंकल, आप दाना किस तरीके से खिलाते हैं और क्या फीडिंग देते हैं? दाना बताते हैं, दाना देते हैं इनको मतलब परसेंट के हिसाब से। अच्छा, जैसे अब हमारी मच्छी हो गई 1 किलो की जी, तो इसको 10 ग्राम दाना दिया जाएगा। अच्छा, उसके कुछ दवाई भी हैं जी, दवाई देते हैं हम इनको करीब एक पॉइंट जी जी, एक मच्छी को 1 पॉइंट दवाई खिलाते हैं। तो दवाई खिलाने का तरीका कैसा है? दवाई खिलाने का तरीका ये है, दाने को आप तौलिए जी, दाने के साथ साथ अपनी जो नाप है उसमें नाप कीजिए दवाई का, उसको पानी में भिगोइए, पानी में भिगो उस दाने पर डालिए, और डालने के बाद उसको तुरंत ही मिला लीजिए जी, और मिलाइए 10 मिनट उसको सूखने दीजिए जी। सूखने के बाद जब आप अपने कट्टे में भरिए जी, बैग में भर के अपने तालाब पर ले आइए जी। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर मछलियों के स्वास्थ्य का भी ठीक तरीके से ध्यान रखा जाता है, यानी कि जो भी मछलियाँ हैं बीमारी नहीं हो, तो उन्हें एंटीबॉडी वगैरह साथ में एंटीबायोटिक खाने के साथ में, यानी कि दवाई उनको दाने के साथ में ही दी जाती है। इसके अलावा अंकल, अब आप इसकी हार्वेस्टिंग कब करेंगे, कब मछली निकालेंगे इसमें से? हम इसको निकालेंगे 15 तारीख को, अगली 15 में जी, अगले 15 तारीख से आप निकालना शुरू कर देंगे जी सर। बिल्कुल दोस्तों, ये सही सीजन है, नवंबर का महीना है, और इस समय मछली का जो रेट है वो काफ़ी अच्छा रेट होने वाला है। तो नवंबर में निकाल रहे हैं, बहुत सही टाइम पर निकाल रहे हैं। और फिर इसके बाद आप इसमें दोबारा मछली कब डालेंगे? दोबारा 2 महीने बाद डालेंगे, जाड़े के महीने में नहीं डालेंगे, जाड़े जाड़े नहीं डालेंगे। बिल्कुल, सर्दियों में मछली अंकल ग्रोथ नहीं करती है, तो आप सर्दियों के बाद ही इसमें मछली डालेंगे। हाँ जी सर। तो दोस्तों आपको आज मैंने एक अच्छे तालाब की विजिट कराई, तो मिलते हैं कभी फिर अगले तालाब पर। और कभी आप इधर से निकलें जलेसर की तरफ से, तो इस तालाब को विजिट कीजिए। तो धर्मगढ़ी, धर्मगढ़ी पे तालाब है जी, एतमादपुर के लाइन रोड को, फिरोजाबाद बारे में जी, फिर ये धर्मगढ़ी पर तालाब है। आप कभी भी जलेसर की तरफ से धर्मगढ़ी पर आएँ, तो यहाँ पर अंकल जी से मिलिए और तालाब विजिट कीजिए। आपको बहुत ही सुंदर काम है, मछली पालन बहुत ही अच्छा काम है, साथ ही आपको एक सुंदर तालाब देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। डिजिटल बनेगा किसान, उन्नति करेगा किसान। हाँ, डिजिटल बनेगा किसान और उन्नति करेगा किसान।
डिजिटल बनेगा किसान, उन्नति करेगा किसान। दोस्तों डिजिटल बनेगा किसान, उन्नति करेगा किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।